सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो जेई मेन सेशन 2 का एग्जाम था वो 4 अप्रैल से कंडक्ट करवाया जाना था, जो कि आपका 12 अप्रैल तक जो है एग्जाम होना था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम वन्ना एंड टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल आईआईटी जेई एस्पिरेंट्स। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो जेई मेन सेशन 2 का एग्जाम था वो 4 अप्रैल से कंडक्ट करवाया जाना था, जो कि आपका 12 अप्रैल तक जो है एग्जाम होना था। सो एनटीए ने जो है ऑलरेडी आपका एडमिट कार्ड एंड सिटी इंटीमेशन जो है वो ऑलरेडी एनटीए ने अपनी साइट पे अपडेट कर दिया है। तो जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना एडमिट कार्ड जो है निकाला नहीं है, वो जाके एनटीए की साइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके अलावा एनटीए ने जो एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके अकॉर्डिंग जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या जब आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे, उस टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप जो है एनटीए की साइट पर जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसमें जो है आपको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर, आपके एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मॉर्निंग सिर्फ 9 बजे आपका एग्ज़ाम है, तो उस टाइम पे आपको रिपोर्टिंग किस टाइम पे करना है। एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम आवर से, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले जो है आपको सेंटर पे विजिट कर लेना है, ताकि जो भी चेकिंग उतनी हो वो सारी चीज़ें आप प्रोग्रेस कम्प्लीट करवा सकें। उसके अलावा गेट क्लोजिंग टाइम एट द सेंटर, गेट क्लोज होने का टाइम कौन सा है सेंटर का, ये आपको देख लेना है। एंड इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको मालूम है कि 4 अप्रैल से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि 12 अप्रैल तक चलेगा, बट आपका किस डेट पे एग्ज़ाम है वो आपको देख लेना है। किस डेट पे एग्ज़ाम है, किस दिन आपको जाना है, वो आपको देख लेना है अपने एडमिट कार्ड पे। उसके अलावा शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ द टेस्ट, आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है एंड किस टाइमिंग में आपका एग्ज़ाम है, ये आपको जो है अपने एडमिट कार्ड पर चेक कर लेना है। एंड उसके अलावा वेन्यू ऑफ द टेस्ट, यानी कि आपके किस लोकेशन में, किस जगह पे आपका जो टेस्ट है, जो जेईई मेन सेशन 2 का जो एग्ज़ाम है वो किस जगह पे होने वाला है, ये सारी चीज़ जो है वो आपको एडमिट कार्ड पर देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है आपके एडमिट कार्ड पर कि किस दिन आपका एग्ज़ाम है, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है एंड टाइमिंग क्या रहेगी एग्ज़ाम टाइम डेट एग्ज़ाम होने की। एंड उसके अलावा जो है एंट्री जो है कब तक आपको जो है रिपोर्ट करना है एग्ज़ाम सेंटर पे, ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। एंड उसके अलावा भी एनटीए ने जो है एक बात और नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि आप जब मतलब एग्ज़ाम देने जाएंगे रिपोर्टिंग टाइम पे, उस टाइम पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है एंड उसके अलावा एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। वो आप कलरफुल भी निकलवा सकते हैं एंड ब्लैक एंड वाइट भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकलवाते हैं। एंड उसके अलावा जो है अपना पासपोर्ट साइज 4 फोटोज़ जो है वो आपको कैरी करके लेके जाना है एडमिट कार्ड, जब आप जेईई मेंस सेशन 2 का एग्ज़ाम देने जाए। थैंक यू।